गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा फाउंडेशन में। मैं हर्षित त्रिपाठी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और फीचर्स ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें हम लोग जानेंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहाँ से आई, किसने बनाई, कहाँ बनी और इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पहले कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई और उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ने सी के डेवलपमेंट में अपना क्या योगदान दिया। ठीक है, 1960s में कोई भी कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, उस समय एक जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स थे उनका भी मानना था कि कॉमन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी चीज़ को आसान बना सकती है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स से। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं कि इससे पहले कौन। अब आगे 1963 में एक लैंग्वेज बनी जिसका नाम है CPL, यानी कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, ये जो है आपकी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनी। कहां बनी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। ठीक, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में बनी। ठीक, ये 1963 में जब ये कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई तब जो है जब इसे लाया गया तब इसकी जो आपकी कोडिंग्स थी बहुत कॉम्प्लेक्स थी, बहुत टफ थी समझने में, याद करने में, और इसका अगर जब इसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा था तभी इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई थी। ठीक है, इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत डिफिकल्टी हो रही थी इसमें। अब आए 1967 इस CPL का एक सबसेट निकाला गया। ठीक, उसका नाम था BCPL। ये क्या था? ये था सबसेट ऑफ CPL। ठीक है, सबसेट ऑफ CPL। ठीक, BCPL मतलब बेसिक CPL। ठीक, ये आपका जो है मार्टिन रिचर्ड्स, ये आपको मार्टिन रिचर्ड्स ने डेवलप किया था। सर मार्टिन रिचर्ड्स ये भी इनसफिशिएंट पावरफुल थी। ठीक है, लेकिन इसने इस बीसीपीएल ने अपना बहुत सफल योगदान प्ले किया, मेजर रोल प्ले किया सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में। ठीक, अब इसके बाद आया एक और सबसेट निकाला गया। जब ये कामयाब नहीं हुआ तो CPL का एक और सबसेट निकाला गया 1970 में, क्या थॉमसन द्वारा बी लैंग्वेज निकाली गई। ये निकाला कैन थॉमसन ने। ठीक, ये निकाला बेल लैब्स में जो कि USA में। ठीक, कैन थॉमसन निकाला बेल लैब्स में जो कि USA में। हाँ, उसमें जो है जब ये ठीक से ये इनसफिशिएंट हुई तब ये भी सबसेट था आपका CPL का, ये भी सबसेट था CPL का। ठीक, ये भी मान के चलिए ये भी इनसफिशिएंट थी जनरल में, इसका भी कुछ खास नहीं क्योंकि ये जो थी ये BCPL और बी लैंग्वेज ये जो है टाइपलेस थी। इसको टाइपलेस भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो है कोई भी डाटा टाइप नहीं पाया जाता था तो इसलिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा आती थी एज कम्पेयर टू सी लैंग्वेज। आइए अब बात करते हैं सी लैंग्वेज की। 1972 आ गया। ठीक, अब यहाँ आई सी लैंग्वेज आई। ठीक, सी लैंग्वेज को खोजने वाले आपके जो जिसने डेवलप किया था वो थे डेनिस रिची थे। ठीक, इन्होंने भी ये खोजी हाँ बेल लैब्स में उन्होंने ये क्रिएट की। ठीक, इसमें जो है
इस सी लैंग्वेज में बी सी पी एल के और बी लैंग्वेज के इम्पोर्टेंट फीचर जो आते थे वो आपके सी लैंग्वेज में आए। सी लैंग्वेज आपकी डाटा, इसमें वेरियस टाइप के डाटा टाइप्स भी थे, ठीक। बी सी पी एल ने इनडायरेक्टली सी लैंग्वेज पे बी लैंग्वेज के थ्रू अपने जितने फीचर से वो सी लैंग्वेज में डाले, मतलब लिए गए सी लैंग्वेज में, बी के बी लैंग्वेज का बी सी पी एल के फीचर्स लिए गए। अब जो इम्पोर्टेंट फीचर्स बी सी पी एल में थे वो आपके बी लैंग्वेज में लिए गए, और जो बी लैंग्वेज में वही फीचर्स आपके सी लैंग्वेज में लिए गए। तो ये माना जाता है कि सी लैंग्वेज की नींव रखने के लिए बी सी पी एल का बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले हुआ, ठीक है। ये तो हो गई आपकी हिस्ट्री कहाँ से आई, ठीक है। अब इसको जो है एक 1978 में कार्निगन और डेनिस रिची की एक पब्लिकेशन थी, द प्रोग्रामिंग, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, वो 1978 में पब्लिश हुई, ठीक। ये तो गई आपकी हिस्ट्री, ठीक है। अब बात करते हैं आपके सी के फीचर्स के बारे में। अब बात करते हैं फीचर्स की, ठीक। सी लैंग्वेज को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक, मिडिल लेवल लैंग्वेज, ठीक। ये क्योंकि मिडिल लेवल लैंग्वेज इसलिए कहते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज की पावर है और लो लेवल लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें जो इनबिल्ट फंक्शंस या इनबिल्ट लाइब्रेरीज हैं वो काफी ज्यादा है, और लो लेवल लैंग्वेज इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मशीन इंडिपेंडेंट है और ये हर जगह हर कंप्यूटर पे किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये चल सकती है, ठीक है। आपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा, ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा। ये जो सी लैंग्वेज थी आपकी, सी बी और बी सी पी एल जो भी थी, ये तीनों थी, ये आपके यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिजाइन करने के लिए बनाई गई थी, और यूनिक्स पे जितने भी सॉफ्टवेयर्स आपके मिलेंगे वो आपके सी लैंग्वेज पे ही ज्यादातर बने हैं, और यूनिक्स की कोडिंग भी सी लैंग्वेज में की गई है, ठीक। और ये इसमें आप ये आप बहुत इजिली आपको ये समझ में आएगी, ठीक। ये तो होगा आपके फीचर्स, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, आशा करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अब अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर।